बहुत समय पहले सड़क के किनारे एक व्यक्ति अंडे बेच रहा था। अब एक दूसरा व्यक्ति जो घर से खाली होता वो आता है उनके पास और उनसे जो है मजाक करने लगता। मजाक मजाक में हाथापाई हो जाती है और व्यक्ति जो है अंडे वाले के सारे अंडे फोड़ देता। अब अंडे वाला पहुंचता पंचायत में। अब वहां के जो प्रधान थे उनके उनके सामने अपनी बात रखता कि मेरे इसने अंडे फोड़ दिए। अब जो प्रधान थे वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंडे कितने थे, तो वो कहता है कि जो मेरे अंडे थे वो इतने थे कि अगर मैं दो के जोड़े बनाऊं तो मेरे पास एक अंडा बचेगा, अगर मैं तीन के जोड़े बनाऊं तो मेरे पास दो अंडे बचेंगे, और अगर मैं चार के जोड़े बनाऊं तो मेरे पास तीन अंडे बचेंगे, और अगर मैं बनाता हूं पांच के जोड़े तो मेरे पास चार अंडे बचते हैं, और अगर मैं बनाता हूं छह के जोड़े तो मेरे पास बचते हैं पांच अंडे, और अगर मैं बनाता हूं सात के जोड़े तो मेरे पास कोई भी अंडा नहीं बचता है। फिर कहते हैं कि मेरे पास कुल 150 अंडे से ज़्यादा अंडे नहीं है, मेरे पास 150 से ज़्यादा अंडे नहीं है। अब प्रधान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। प्रधान का दिमाग घूम जा रहा है, यार क्या क्वेश्चन है ये, कैसे पूछ रहा है ये। तो इस समस्या का समाधान बस एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है साने सर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि क्या यहाँ पे मैटर हुआ, कि उसने जो ये पूछा है इतना खतरनाक, वो क्या चीज़ है ये। तो इनका ये कहना है कि भाई जो कुल अंडे हैं हमारे पास, वो कुल अंडे जो हैं वो किससे कम है, भाई वो 150 से कम है। कितने अंडे हैं, 150 से कम अंडे हैं। तो जब मैंने दो का पेयर बनाया तो मैंने एक अंडा मेरे पास शेष रह गया। फिर मैंने क्या करा, तीन का पेयर बनाया तो मेरे पास दो अंडे रह गए, और अगर मैंने चार का पेयर बनाया तो मेरे पास तीन अंडे बचे, और अगर मैंने पाँच का पेयर बनाया तो मेरे पास तीन चार अंडे बचे, और अगर मैंने छः का पेयर बनाया तो मेरे पास पांच अंडे बचते हैं, अगर मैं बनाता हूँ सात का पेयर तो मेरे पास कोई भी अंडा नहीं बचता है। तो शेष का मतलब तो समझते हो ना आप, शेषफल, तो शेषफल जो बच जाता। ठीक है, तो ये समस्या का समाधान था। तो इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ते हैं इसको हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है, 150 से अंडे ज़्यादा नहीं है, तो मतलब कम होंगे। तो टोटल अंडे हमारे पास आते हैं 119 निकल के। अब वो कैसे है वो भी अभी आगे आगे देखना, क्योंकि 119 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ होती क्या, एक बार वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, और वो पॉइंट ये होगा, अगर मैं 15 से भाग करूँ 153 में, भाग करो जरा 15 से 153 में कितना आ जाएगा, तो ये आगा तुम्हारे पास 10 बार जाएगा, 150 हो गया तुम्हारे पास, 3 बजेगा शेष। अब इसमें मुझे ये बताओ कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है, और भागफल कौन सा, शेषफल कौन सा, बताओ जरा। तो ये क्या है मेरे पास, ये है शेषफल, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, भागफल है, और ये जो है मेरे पास ये है भाज्य, क्या है मेरे पास, ये भाज्य, और यह है मेरे पास भाजक। घबराना नहीं है, हर समस्या का समाधान है मेरे पास। ठीक है, कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो मैं कराऊंगा सवाल को हल। तो भाजक 15, भाज्य कितना है मेरे पास 153, और भागफल कितना है मेरे पास 10। तो भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है, जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है, और जो आता है वो भागफल, जो बचा खुचा होता है वो होता है शेषफल। ध्यान देना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा इसको, देखो भाज्य भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ जाओगे। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट आता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ना मानो तो आप हल करके देख सकते हो इस चीज को। देखो मैं कैसे करूंगा, तो मेरे पास है 153, मेरे पास कितना है 153, आर इक्वल टू, देखो तो भाज्य मेरे पास ही आ गया, भाजक आ गया, भाजक कितना है मेरे पास 15 है, भागफल कितना है मेरे पास 10 आया, शेषफल कितना आया 3 आया, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, दोनों साइड क्या होनी चाहिए बराबर, तो 153 बराबर 15 ढाई 150 प्लस के 3, तो ये मेरे पास आ गया 153, आर इक्वल टू 153। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो राइट है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिससे करने वाले हैं सवाल हम एक्सरसाइज 1.1 के। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अगर मैं ए को भाग करूं 20 है, ए को भाग करूं 20 है, और मेरे पास भागफल आया क्यू, और शेषफल मेरे पास कितना आया आर आया। अब देखो ए जो है वो भाज्य हो गया, ए क्या हो गया भाज्य हो गया, बी क्या हो गया भाई यहाँ पे भाजक हो गया, और क्यू क्या हो गया भागफल हो गया, आर शेषफल हो गया। तो मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा,
ए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। ठीक है, अब इसमें जो ये रिमाइंडर होता है ना, ये जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी जीरो से छोटा आता ही नहीं है। कितने भी भाग कर लो, आपने भाग भी करी होगी, लेकिन रिमाइंडर कभी भी जीरो से छोटा नहीं आया है। क्लास एक से लेके और टेंथ तक आप आ चुके हैं, नाइन्थ भी आपने पढ़ा है और एट भी आपने पढ़ा है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर जीरो से छोटा आता ही नहीं है। जीरो से या तो बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? रिमाइंडर जो होगा, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। कौन? रिमाइंडर, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, या तो जीरो है बराबर या फिर जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। किससे? भाजक से हमेशा छोटा होता है। कौन? रिमाइंडर। भाजक अगर मेरे पास पांच आया है, मान लो भाजक मेरे पास आया पांच, बी का मान कितना आया मेरे पास? पांच। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा? पांच से छोटा होगा, एक दो जीरो, एक दो तीन और चार तक होगा। हमेशा भाजक से छोटा होता है। नोक उंगली दिखाते हैं ना हमेशा करके, तो उंगली जो नोक होती है वो बताती है छोटा, और जो ये होता है आपके पास ये होता है बड़ा। तो नोक हमेशा होता है छोटा वाला, और जो खुला है वो होता है बड़ा, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारे पास आर इज लेस देन टू बी, आर इज लेस देन टू वी, और ये होता है तुम्हारे पास जीरो इज लेस देन टू इक्वल आर। ठीक है, ध्यान देना, तो आर छोटा है बी से, और जीरो जो है आर का मान जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर आएगा। तो ये होता है आपके पास शेषफल, ध्यान देना। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं आप न्यूमेरिकल अपने 1.1 के। तो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं समस्या का हल। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। अपने रफ खोल लो और पेन लो हाथ में, और जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो, नोट्स मैं बनवाऊंगा आपके। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन पहले लेते हैं हम। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है मेरे पास भाई? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के SCF ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के HCF, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन, या मैंने बोल दिया एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। प्रयोग निम्नलिखित संख्याओं के HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे पास पहला क्वेश्चन है इस चीज का, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है पहला? पहला है 135 तथा 225, कितना है? 225। तो निकालें फिर, देखो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना जरा। तो मैं 135 से भाग करने वाला हूं, तो देखो मैं जरा 135 से भाग करने वाला हूं 225 में, इसे कितनी बार गई भाग बताओ भाई, कितनी बार गई भाग? तो एक बार जाएगी भाग, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 135, पाँच में से पाँच घटाओ कितना बचेगा? जीरो। 12 में से घटाओ तीन, जब मैं 12 में से घटाऊंगा तीन तो मेरे पास कितना बचता है? तो मेरे पास बचेगा, जब 12 में से तीन घटा तो मेरे पास बचा 9, ठीक है, इधर मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है, तो 90 रह गया हमारे पास। अब इसमें देखो भाज्य कितना है मेरे पास, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो 135 की भाग करिए मैं 225 में, तो भाज्य आया मेरे पास 225, कितना आया? 225। आर इक्वल टू भाजक आया 135, भागफल आया एक, और शेषफल आया मेरे पास 90। क्या शेषफल जीरो हुआ? नहीं हुआ ना, तो 90 से भाग करो फिर अगेन 135 में। कहाँ भाग करोगे? 90 से 135 से भाग करते हैं, तो भी अभी भी ये एक बार जाएगा 90, जब घटाओगे 135 में से 90 तो बचा मेरे पास कितना? 45। कितना रह गया? 45 रह गया भाई। 45 जब बकरी आया मेरे पास, तो अब मेरे पास भाज्य कितना आ गया? देखो 135, भाजक है मेरे पास 90, और भागफल मेरे पास एक आया, और शेषफल है मेरे पास 45। अगेन भाग करता हूँ फिर 45 से 90 में, तो 45 धुनी 90, तो मेरे पास शेष आ गया 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? देखो भाज्य आ गया 90, और भाजक आ गया 45, भागफल आया 2, और शेषफल आ गया मेरे पास 0। तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरे पास SCF निकल का आता है वो आया 45 निकल का, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना भाजक, वो SCF होता है आपके पास, कितना SCF निकल का आपके पास? 45 आया, ठीक है।
45 बचता है, भागफल 2 आ गया मेरे पास, शेषफल 0 आया, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो SCF क्या होता है तुम्हारे पास 45। अब ये SCF होता क्या, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है याद कर लो SCF की, वो होती है हाईएस्ट, क्या होती है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक शॉर्ट में कहते हैं इसको माशा, क्या बोलते हैं माशा, ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, ध्यान देना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक। तो इस टाइप से मैंने एक सवाल करवा दिया तुम्हें, कौन सा वाला 135 और 225 का। अब इसके बाद में एक सवाल और लेते हैं, सेकंड सवाल, और सेकंड सवाल है आपके पास 196 की भाग करनी है हमें, 196 तथा है हमारे पास डेटा 38220, कितना है 38220। सवाल थोड़ा पेचीदा है, सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन सवाल बड़ा इजी है, अगर मैं डायरेक्टली करूँ सवाल को हल, तो छोटा सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है भाग करो 196 से भाग करो 38220 में, तो टोटल ये 195 बार जाएगी, कितनी बार जाएगी 195 बार जाएगी, तो ये हो जाएगा 38220, ठीक है घटाओगे तो 0 बचेगा आपके पास, तो जो मेरे पास भाज्य है, भाज्य कितना है 38220 बराबर भाजक आया 196, भागफल आया 195, शेषफल 0 आया, तो मेरे पास जो SCF मिला मुझे वो कितना मिला 196, क्योंकि भाजक ही हमारे पास क्या होता है SCF होता है। बात यहाँ ही आती है कि 100, अब तुम्हारे दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर 195 कहाँ से आ गया, 195 कहाँ से आ गया, तो मेरे पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन उसका ये होगा कि पहले हम 196 से भाग करेंगे 38220 में करके देखते हैं एक बार कैसे भाग होती है, ठीक है। तो जरा मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो कैसे 196 से भाग कर रहा हूँ मैं 38220 में, पहले देखो 382 भाग करो 196 से, तो ये जाएगी एक बार, ठीक है। तो याद रहा मेरे पास 196 घटाओ, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 बचेगा, इधर मेरे पास रह गया 7, जब मैं 17 में से घटाऊंगा 9 तो 8 बचेगा, इधर रह गया 2 में से घटाया तो मेरे पास 1 रह गया, मैं कितना उतारूंगा, उतार लिया मैंने कितना 2 या वाला 1865 हो गया, भाग करके देखो, ठीक है 19 9 171 और 19 2 190, पहाड़े तो याद होंगे, 19 के याद ना हो तो याद कर लियो घट जाएगा आज, ठीक है। तो 196 की भाग करिए मैंने 1862 में, तो ये हो जाएगा 9 बार, अब इस 9 गुणा करो 6 से, 9 6 54 हाँ से लगा 5, और 9 में 81 और 5 86 यहाँ से लगा, फिर अगेन 8 लगा, फिर 9 का ना 9 और 9 और 8 हमारे पास हो गया 17, घटाओगे 12 में से 4 घटाया तो 12 में से 4 घटाया तो मेरे पास 8 बचता है, इधर रह गया 15 में से 6 घटाया तो 9 बचा मेरे पास, 17 में घटा कुछ नहीं बचा, उधर लिया मैंने 0, 980 हो गया, तो ये 5 बढ़ जाएगा, फिर अगेन 5 से भाग करो 5 6 30 हाँ से लगा 3, और 5 5 9 45 45 3 48 हाँ से लगा, फिर से तुम्हारे पास 4 5 4 9, ठीक है। तो ये शेषफल मेरे पास 0 आ गया, अगर मैं 196 की गुणा करूँगा 195 से किसके बराबर आगा 38220 के बराबर आगा, मतलब क्या हुआ कि 196 की भाग करो 196 की गुणा करो 195 से तो 38220 आ जाएगा और शेषफल मिलेगा हमें 0, और हमारा SCF कितने का आया 196, ठीक है हो गया सवाल जी। तो यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट, इसके बाद का थर्ड पॉइंट करवाते हैं, देखो जरा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 867 तथा 255, कितना है थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास भाई, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 867 तथा 255, ठीक है 867 तथा 255, तो लगा दें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो भाग कर रहा हूं मैं देखो 255 में, घबराओ मत यार, ये सवाल तो खुद करके देखे करो ना अपने आप, अबे सवाल प्रैक्टिस करो घर जाके, जितना घर पढ़ोगे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना समझ में आएगा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, जितना घर पे पढ़ोगे मेहनत करोगे उतना समझ में आएगा ये, ठीक है। तो जब भाग करूंगा तो पहले देखो कितनी बार भाग गई भाई, आप बताओ मुझे पता चल रहा कितनी बार भाग जा रही है, लाओ दिमाग। तो 255 में जब भाग करूंगा 867 में, तो 25 से भाग करके देखते हैं हम 86 में, तो 25 दिया 75, 3 के आसपास जा रही है, चेक कर लेते हैं 5 दिया 15 हाँ से लगा 5 दिया 15 और 1 16 और 3 दुनी 6 और 1 7, 765 आ गया, घड़ा 2 बचा मेरे पास, 6 में 6 घड़ा 0, 8 में 1 102 आ गया आपके पास, ठीक है। तो मैंने जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख ही दिया है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे भाज्य 867 बराबर 255 भाजक गुणा भागफल 3 और प्लस शेषफल मेरे पास कितना आता है 102 आता है, ठीक है।
अगेन 102 के भाग करो 255 में, कितनी बार गई? दो बार गई भाई ये, तो दो दूनी चार, जीरो दो घटाओगे तो पाँच में चार घटाया, एक बचा हमारे पास, इधर पाँच में से जीरो घटाया हमारे पास, पाँच में से जीरो घटाओगे तो आपके पास पाँच बचेगा 51, ठीक है। फिर अगेन लिख लो 255 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 51 के भाग फिर से अगेन करो 102 में, ठीक है। तो दो बार चली गई, 102 पूरा कट जाएगा, बराबर आ जाएगा जीरो हमारे पास, यानी कि 102 बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, 51 आ गया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया हमारे पास, 51 आ गया, ठीक है। तीनों भाग क्वेश्चन के फाइनल हो गए, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू, क्या करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू। और वो क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू, लिखवा रहा हूँ मैं, ध्यान देना जरा कि दर्शाइए कि बिल्कुल अलग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से सवाल चेंज, ठीक है। देखते हैं फिर क्या सवाल है, तो दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है भाई। ये सवाल है हमारा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता। तो करवाया जाए सवाल फिर ये वाला, आप तैयार हो बिल्कुल, तो ध्यान से देखना फिर बोर्ड पे, करवा रहा हूँ मैं सवाल को। तो सबसे पहले देखो इनमें भाजक कितना है भाई, भाजक कितना है बताओ जरा, कितना भाजक है इसमें, सिक्स क्यू प्लस वन में भाजक क्या है, भागफल क्या है और आपका शेषफल क्या है। तो सिक्स जो है ना वो भाजक है, क्यू जो है वो भागफल है और एक जो है वो है आपका शेषफल। तो मैं लिख रहा हूँ भाजक बराबर कितना गया मेरे पास, सिक्स आ गया, भाजक बराबर कितना गया मेरे पास, सिक्स आ गया। जब भाजक बराबर सिक्स आ गया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, आर के कितने मान हो जाएंगे भाई, आर के मान हो जाएंगे जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रिमाइंडर जो होता है भाजक से छोटा होता है, ध्यान देना, जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है, कौन, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है, जीरो से छोटा होता है, आर बराबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो ए के संभव मान कितने आ जाएंगे, ए के संभव मान कितने आ जाएंगे, ए क्या है यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये मैं मान लेता हूँ परी आंसर में, इसके मैं मान लेता हूँ कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। ए क्या है मेरे पास, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो बी का मान छः आ गया, आर का मान हमेशा छः से छोटा होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा भाई, सिक्स क्यू प्लस जीरो हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस थ्री हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस टू हो जाएगा, फिर सिक्स क्यू प्लस थ्री हो जाएगा, इसके बाद में सिक्स क्यू प्लस फोर हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, सिक्स क्यू पे डिस्कस करो, सिक्स क्यू प्लस टू देखो और सिक्स क्यू प्लस फोर देखो, इन दोनों में तो मैं कहना चाह रहा है सब सम संख्याएं नजर आ रही है, जानते हो ना सम विषम, सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, बताओ जरा मुझे, सम संख्या कौन सी है आपकी जिसमें दो सौ भाग चली जाए, दो चार छः आठ डोट डोट डोट, कौन सी संख्याएं होती हैं भाई, सम संख्याएं होती हैं। अगर मैं विषम की बात करूं तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें दो सौ भाग नहीं जा सकती, तीन एक पाँच सात, ठीक है, डोट डोट डोट, ये सब क्या होती हैं आपकी, विषम संख्याएं होती हैं। तो मेरा जो पूर्णांक है वो कैसा है भाई, जो मेरा पूर्णांक है वो मेरे पास कैसा है, विषम है, ध्यान देना। तो विषम कौन सा वाला होगा, एक होगी, तीन होगी और पाँच होगी, तो सिक्स क्यू देखो और सिक्स क्यू प्लस दो देखो और सिक्स क्यू प्लस फोर देखो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ सिक्स क्यू कोमा सिक्स क्यू प्लस फोर और सिक्स क्यू प्लस टू या सिक्स क्यू प्लस फोर, ठीक है, सम संख्याएं हैं, क्या हैं ये, सम संख्याएं हैं, क्या हैं ये, सम संख्याएं हैं, क्यों सम संख्याएं हैं, क्योंकि भाई क्योंकि ये है दो से क्या है, दो से क्या है, ये विभाज्य है, दो से क्या है, ये भाज्य है, दो से भाज्य है, इसीलिए जब ये संख्याएं मेरे पास सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो जब विषम संख्याएं बची कौन सी बची, एक तीन और पाँच, एक तीन और पाँच, तो सिक्स क्यू कोमा सिक्स क्यू प्लस दो या फिर सिक्स क्यू प्लस फोर सम संख्याएं हैं, क्योंकि यह है दो से विभाज्य है, इसीलिए विषम पूर्णांक हमारा किस फॉर्म का होगा, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस तीन और सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होगा, इसीलिए विषम पूर्णांक, ठीक है, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव,
के रूप का होगा, के रूप का होगा, ठीक है। तो यहां तक लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, परेड वाला, ठीक है। आज तो मैं सिखाते हैं आर्मी किस तरह से मार्च करती है। दारो क्वेश्चन थर्ड है आपका, किसी परेड में, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, और उसको, ठीक है, एक 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना, मार्च करना। तो सवाल आपसे ये कहता है कि भाई अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी जिसमें वे आर्मी क्या कर सकें, मार्च कर सकें। सवाल बड़ा है, आप जो है अपनी किताब से उतारना, ठीक है। तो मेरे पास कितना है, 616 है, और कितना है मेरे पास, 32 है। तो कह रहा है कि ज्ञात करना हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ठीक है। यानी कि भाई हमें कुल क्या निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मैं लिख दूं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगा दूं, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो क्या है मेरे पास, 32 की भाग करते हैं भाई 616 में, 616 में भाग करता हूँ 32 की, कितनी बार जा रही है, तो ये जाएगी 19 बार। कितनी बार जाएगी, 19 बार। क्यों जाएगी, क्योंकि 32 की गुणा मैं 10 से करूँगा तो 320 हो जाएगा मेरे पास, और जब मैं 32 की गुणा किससे करूँगा, 20 से करूँगा, तो ये हो जाएगा 640। तो ये जाएगी तुम्हारे पास 19 बार, तो मैं गुणा कर दे रहा हूँ 19 की, तो 19 की 19 बार गई, तो 19 धुनी 38 हासिल लगा हमारे पास, 3 और 19 के 57 और 3 608 हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो घटाओ जरा, 16 में से घटाओ 8, तो 8 बजेगा, 60 में से 60 घटाया, कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास आता है यहाँ पे, तो भाज्य मेरे पास मिला 616, और जो मेरे पास भाजक आया 32, भागफल आया 19, शेषफल आया मेरे पास 8, 8 की भाग करूँगा 32 में, ठीक है, 8 चौक 32, मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि 32 मिला मुझे, 8 मिला भाजक, 4 मिला शेषफल, भागफल और शेषफल मिलता मुझे 0। इसका मतलब है क्या मिला मुझे, SCF 8 मिल गया। इसका मतलब यह है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, अधिकतम स्तंभों की संख्या आ गई, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर आ गई मेरे पास कितनी, 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई है, ठीक है। यानी कि 8 स्तंभों में आर्मी की टुकड़ी क्या कर सकती है, मार्च कर सकती है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 4 आता है मेरे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। तो वो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का जो स्क्वायर होता है वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीन शॉट लें आप, और मैं इसको करता हूं इरेज, हो गया, देखो फिर आगे। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारा, सवाल पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, क्या सवाल कह रहा है कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। फॉर्मूले लगाएंगे इसमें, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो याद कर लो, आपने पढ़ रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो 2ab है ये हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है भाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन प्लस 2ab हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रट्टा मारो उस फॉर्मूले को, याद करो ठीक से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब सवाल होगा, तो यहां मेरे पास देखो भाजक कितना आ जाएगा, मैं भाजक मान लेता हूं 3, यहां पे भाजक मान लिया मैंने कितना 3, तो रिमाइंडर का मान कितना होगा अभी, तो ये रिमाइंडर का मान कितना हो जाएगा, तो वही 0 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो a के संभव मान है, मैंने जो माना है, माना इसका जो आंसर मैं लिखूंगा, तो मैं मान लेता हूं माना a क्या है,
एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो बी का मान 3 आ गया है, आर का मान 0 1 2 आ गया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा भाई मेरे पास 3q+0, दूसरा हो जाएगा 3q+1, फिर हो जाएगा 3q+2, ठीक है। ये ए का मान आ गए। अब कह रहा है कि वर्क करो, इसका स्क्वायर करो भाई। लो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 3q का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, लो ठीक है, कर दो स्क्वायर। तो कितना जाएगा स्क्वायर? 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास। नो, ये आ गया मेरे पास q² 3 का स्क्वायर। भाई 3q का वर्क ना करना आ रहा तुम लोगों से, क्या करोगे और क्या सीखा अब तक? 3q मतलब 3q × 3q, ठीक है। तो 3 + 3 = 9 और q 1 हो गया तुम्हारे पास, q² कितना हो गया? 9q² हो गया भाई। तो कितना हो गया? 9q². फिर अगर मैं तोड़ देता हूँ उसको 3 भागों में, तो 3 × 3 कर दे रहा हूँ, तो 3 मेरे पास ये रह गया, अंदर आ गया मेरे पास 3q², और ये किसके बराबर है? ये बराबर है m के, क्योंकि आप जानते हो कि m = 3q², m = कितना हो गया तुम्हारे पास? 3q² हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं वर्क कर रहा हूँ, 3q+1 का होल स्क्वायर करो भाई। मैंने बोला कि भाई फॉर्मूला याद करो, 3q+1 का होल स्क्वायर आपको खोलना है तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, जरा बताओ मुझे। खोलो भाई फॉर्मूला, खोलो यार। 3q+1 का होल स्क्वायर बराबर 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। कर रहा हूँ इसका को हल बराबर। देखो 3 का वर्ग जो है मेरे पास वो 9 हो गया, q² हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 × 2 = 6q हो गया। तो जो ये एक ही जाति के मेंबर हैं, q वाले, इनको अलग कर लो आप, तो ये 9q² प्लस 6q इधर ले आया मैं, और प्लस के बन में बाहर ले गया। तो कुछ मिल रहा है मुझे कॉमन यहाँ से, इन दोनों में, दोनों के दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 मिल जाएगा मुझे कॉमन। 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 से यहाँ भाग करो, 3 से यहाँ भाग करो। जितना कॉमन लेते हो ना उतने से आप भाग भी करते हो, ध्यान देना, जितना कॉमन लेते हो उतने से भाग भी कर देते हो। जब मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 से यहाँ भाग करी 3q² रह जाएगा, 3 से यहाँ भाग करी तो 2q रह जाएगा, प्लस के बन। और इसको मान लो आप m, क्या मान लेता हूँ मैं इसको m, चूंकि आप जानते हो कि m = 3q² + k 2q, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब ये देखो कि किस फॉर्म का आ गया, वर्ग 3m+1 के रूप का आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया, किसके रूप का आ गया? 3m के रूप का आ गया। समझ लिया मैं, हमने जो है ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस सवाल का लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ाते हैं नया सवाल। तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो करें फिर प्रूफ इसको, तो ध्यान देना जरा से करके इस चीज़ पे। तो क्वेश्चन में ले दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो भाई 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ओके, ऑल राइट, समझ में तो आ रहा ना थोड़ा बहुत? तो ये क्वेश्चन पकड़ देखते हैं एक बार, बस निगाहें जमाए रखना बोर्ड पे, सारे के सारे समस्याएं, सारे के सारे प्रश्न मैं कर रहा हूँ आपको सॉल्व, ठीक है। कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस पढ़ने पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अच्छी है तो इन सवालों को आप 100% धुआं निकाल दोगे इन सवालों का। कुछ ऐसे सवाल नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। और अगर आपको कैलकुलेशन आ गई तो कोई सवाल आपसे बच के नहीं जाएगा, आप हर एक सवाल करना पसंद करोगे, ठीक है। तो मैं वही कहानी मानता हूँ, पहले देखो माना आंसर में इसके, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है मेरे पास? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या भाई? ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ए? क्या है ए? है जब मेरे पास एक धनात्मक पूर्णांक है भाई, तो बी का मान कितना हो जाएगा? वही कहानी, 3, ठीक है। आर का मान वही 0 1 2, ठीक है। फिर ए का मान कितना हो जाएगा तुम्हारे पास?
थ्री क्यू प्लस जीरो हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस दो हो जाएगा। अगर मैं घन करूँ उसका, थ्री क्यू करता हूँ क्यूब, तो मैं कर रहा हूँ थ्री क्यू का क्यूब कर दिया मैंने, घन कर दिया, तो भाई घन करो तो तीन का घन कितना हो गया, चलो घन निकालना नहीं आता, थ्री क्यू की पावर थ्री, तो मैं कर रहा हूँ घन थ्री क्यू गुणा थ्री क्यू गुणा थ्री क्यू, तीन बार, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, तो तीन का घन कितना हो गया, तीन बार सत्ताईस, और क्योंकि घात तीन, ठीक है, मुझे लाना किस फॉर्म में, नाइन में, नाइन एम के फॉर्म में, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, तो मैं इसको ना नाइन गुणा तीन में तोड़ दूंगा, बेतिया गुणा आती है नौ तिया सत्ताईस, इसके बराबर हो गया, ये हो गया एम के बराबर, ठीक है। तो आ गया पहला, पहला पॉइंट मिल गया मुझे नाइन एम। अब यार नाइन एम प्लस वन और लाना है मुझे, नाइन एम प्लस वन और लाना है, तो क्यों ना हम इसका घन कर दें, थ्री क्यू प्लस वन का कर देना है, देखो घन कर रहा हूँ मैं इसका, तो मैं थ्री क्यू प्लस वन कर दे रहा हूँ मैं घन, तो घन वाला फॉर्मूला यार आपके फिर से अगेन फॉर्मूला आ गया। अब ये फुल फॉर्मूला करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का सवाल होने वाला है नहीं, इसलिए सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, और आपने ये फॉर्मूला नाइन्थ में भी याद कर रखे, नाइन्थ में पढ़े हैं ठीक से, और अभी भी मैं पढ़ाऊंगा इस फॉर्मूला को, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैलकुलेशन आपको पक्का आनी चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, तो फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ध्यान देना इस लाइन पे, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी प्लस मल्टीपल ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो लगा दो फॉर्मूला, हाँ लगा दो फॉर्मूला, तो थ्री क्यू की पावर थ्री, वन की पावर थ्री, फिर थ्री ए और बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया है ना। अब जो है थोड़ा ज़रा ध्यान देना है सवाल पे, सवाल बहुत पेचीदा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका मजा भी अगला भाई भी करवाना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये बताओ मुझे कि भाई इस तीन का घन कितना हो गया, नाइन हो गया, क्योंकि पावर तीन का घन कितना हो गया, सत्ताईस, सत्ताईस हो गया, क्योंकि पावर कितनी तुम्हारे पास, तीन हो गई, एक का घन मेरे पास एक ही रहेगा, ठीक है, प्लस तीन दिया नौ हो गया, ठीक है, फिर थ्री क्यू प्लस वन ऐसे लिख लिया मैंने, थ्री क्यू प्लस वन। अब देखो सत्ताईस क्योंकि घात थ्री, एक मेरे पास ऐसे रह जाएगा, नौ दिया सत्ताईस हो जाएगा, एक और एक दो क्यू स्क्वायर हो गया, फिर नौ क्यू बड़ा करो एक से, तो यह आ गया मेरे पास नाइन क्यू। अब वही सेम प्रजाति अलग अलग कर लो भाई, क्यों वाले अलग कर लो और एक जो है वो अलग कर लो, तो मैं अलग कर ले रहा हूँ, देखो 27 क्योंकि घात तीन, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस के वन नाइन क्यू, और प्लस वन मैंने अलग कर लिया, प्लस वन मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ से भाई हमें कुछ मिल जाएगा कॉमन, घबराना नहीं है, कॉमन नहीं लेना घबराना, तो ठीक है, तो घबराओ मत बिल्कुल भी। कितना मिल जाएगा मुझे, मुझे तो भैया ये लेकर आना है कुल मिला के, मुझे जो उद्देश्य जो मेरा फोकस है वो किस पे है, वो नाइन एम प्लस वन पे है यार, तो यार प्लस वन तो मिल जाएगा लेकिन नाइन तो लेकर आओ, तो नाइन कैसे मिलेगा वो देखो जरा। तो मैं यहाँ से नाइन कॉमन ले जाऊँ सब में से, तो नौ तिया नौ से भाग करो थ्री क्यू की घात तीन, फिर नौ से यहाँ भाग करो थ्री क्यू स्क्वायर, फिर नौ से भाग करो क्यू प्लस के मेरे पास वन, हाँ अच्छा ये क्या हुआ, तो मैंने यहाँ से नौ कॉमन लिया ना, जितना कॉमन लेते हैं हम उतने से भाग भी करते हैं भाई, जितना आप कॉमन लेते हो उतने से भाग करो, जैसे आपने नौ कॉमन लिया तो भाग कर दो, नौ से भाग कर दो नीचे, तो देखो मैं नौ से भाग कर रहा हूँ, तो नौ से यहाँ भाग करी मैंने, नौ से यहाँ भाग करी मैंने, यहाँ से नौ से यहाँ भाग करी, अब क्लियर हुआ आपका, हुआ क्लियर। तो नेक्स्ट देखो जरा से करके, तो मैं इसको मान लिया मैंने m, नाइन एम प्लस के बन, चूंकि आप जानते हो कि भाई m आर इक्वल टू थ्री क्यू की पावर थ्री, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस के मेरे पास कितना आ गया, q आ गया, ठीक है, तो एक मेरे पास तो ये मिल गया। अब मेरा पर्पस किस पर रहेगा, अब मेरा उद्देश्य रहेगा नाइन एम प्लस एट पर, किस पर रहेगा नाइन एम प्लस एट पर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब थ्री क्यू प्लस दो क्या कर दूंगा, घन कर दूंगा, क्या कर दूंगा क्यूब कर दूंगा, तो कर दूँ क्यूब, घबराना मत, तो मैं कर रहा हूँ देखो क्यूब, थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यूब मैंने कर दिया, तो लगाओ फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो कर रहा हूँ मैं घन नाइन, ये बचा मेरे पास सत्ताईस, तीन का घन सत्ताईस क्यू की पावर थ्री प्लस दो का घन आठ, तीन दिया नौ, नौ धुनी अट्ठारह क्यू, फिर मेरे पास बचा थ्री क्यू प्लस के दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो अंदर सत्ताईस क्योंकि घात तीन आठ रह गया, अट्ठारह दिया चौवन क्यू, अट्ठारह दिया चौवन क्यू स्क्वायर और अट्ठारह धुनी छत्तीस,
क्यू, ये डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, 18 क्यू गुणा, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट से धुआं अंदर से गुणा बिल्कुल करते हैं, ठीक है, तो इसकी गुणा इससे भी, इसकी गुणा इससे भी करते हैं, जितने भी अंदर ब्रैकेट के होते हैं, जितने भी नंबर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, सबकी गुणा होती है बाहर वाले से। तो मैंने वैसे करा, 18 क्यू गुणा करी 3 क्यू से और 18 क्यू गुणा करी 2 से, ठीक है। अब देखो 27 क्यू की घात 3, भाई मेंबर जो है अलग अलग कर लो, क्यू वाले अलग कर लो, ये सब मैंने अलग कर लिए, ठीक है, प्लस के 8 अलग रहने दिया मैंने। अब देखो मैं कितना कॉमन लूंगा, यहाँ से मैं लेता हूँ 9 कॉमन, भाग करो 9 * 27 * 3 + 9 से भाग करो 6 आ जाएगा मेरे पास, q² + फिर 9 से भाग करो 4q + 8, कितना मान लूँ इसको मैं भाई, इसको मैंने मान लिया m, क्या मान लिया मैंने इसको m, आ गया हमारा फिर से अगेन 9m + 8 की फॉर्म का, क्या भाई प्रूफ हो गया, तीनों के तीनों आ गए। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि जो m आया वो क्या माना आपने, 3q3 + 6q² + 4 क्यों, भाई लो ये सवाल आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो ये सवाल हमारे पास पूरा हो गया, जिसमें ये शो किया गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है, जो m जो है वो एक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, एक पूर्णांक है। और ये इस क्वेश्चन के साथ साथ में एक्स्ट्रा साइज भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब शुरू करते हैं 1.2 के एग्जाम्पल और ले इसका स्क्रीनशॉट। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन ले देता हूँ, करे हैं आपने अभाज्य गुणनखंड, अरे पढ़ते आ रहे हो आप, क्लास 8 में सीखा होगा, क्लास 9 में सीखा होगा, हर क्लास में ये अभाज्य गुणनखंड करवाए जाते हैं। चलो मैं यहाँ भी करवा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बताऊँ पहले आपको मैं एक छोटा सा। चलो मैंने मान लिया भाई मेरे पास दे रखा है 100 दे रखा, यार 100 के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है, तो काटो पहले सबसे छोटी संख्या पकड़ो 2 से, कितनी बार काटा 50 बार, क्यों 2 * 5 = 10 और 0 आ गया, 2 से काटो फिर, ठीक है, 2 * 2 = 4 बचा 1 = 10, 2 * 5 = 10, ठीक है, फिर 5 से काट लो 5 * 5 = 25, तो मेरे पास 5 से काटो फिर अगेन एक बार गया, ठीक है। तो जो 100 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो 2 * 2 * 5 * 5 आ जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको लिख सकते हो आप, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, या इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, तो 2 की घात कितनी हो गई मेरे पास, 1 और 1 = 2, 2 की घात 2 हो गई और 1 और 1 = 2, 5 की घात मेरे पास कितनी हो गई 2 हो गई। तो जब मैंने 100 के अभाज्य गुणनखंड करे, 100 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करे, तो 2 की घात 2 * 5 की घात 2 बैठ गया आपका, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ अपना, और पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं के, निम्नलिखित संख्याओं के, कि निम्नलिखित संख्याओं के, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित समस्याओं को, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए, ध्यान देना क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर है मेरे पास 140 और भाई सेकेंड नंबर है मेरे पास 156 और थर्ड नंबर है मेरे पास 3825 एंड है मेरे पास 5005 एंड फोर्थ नंबर है मेरे पास, फोर्थ नंबर है मेरे पास कितना है इसका 7429, ठीक है। तो पहला करवा रहा हूँ मैं 140 का, किसका 140 है, कर दें तो करो भाई 140 का, अबे 200 काट लो भाई, 2 * 7 = 14 उतार लिया मैंने 0, फिर 200 काटो 2 * 3 = 6, 2 * 5 = 10, फिर 500 काटो 5 * 7 = 35, फिर 700 काटो, 7 ही का ना 7, तो मेरे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं कितने, देखो 2 * 2 * 2, तो 2 * 2 * 5 * और मेरे पास लास्ट बचा 7, ठीक है। तो 1 और 1 गुणा में खाते जुड़ जाती हैं भाई, गुणा में खाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 कितना गया मेरे पास 2 हो गया, तो 2 * 2 = 5 * 7, ठीक है, ये आ गए 140 के फैक्टर, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर आपको खुद करके बताना है कि भाई सेकेंड नंबर के फैक्टर कितने आएंगे, 56 के कर लोगे या करवाऊँ सवाल को हल, चलो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 156 के फैक्टर कर रहा हूँ मैं, लो साहब 156 ने तोड़ो गुणनखंड में, 200 काट दो पहले, कट जाएगा 2 से 2 * 7 = 14 और 2 * 8 = 16, ठीक, फिर 200 काट दो 2 * 3 = 6 और 2 * 9 = 18, 300 काट लो 3 * 3 = 9, 13 कट जाएगा ये तेरी का ना तेरा एक बार कटा, तो भाई 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 * 2 * 3 * 13, ठीक है भाई, ये हमारे पास का आंसर आ गया। और अगर चाह रहे हो तो भैया 1 और 1 = 2 भी होता है, तो लिख लो 2, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, गुणा में खाते क्या होती हैं बेटे, जुड़ जाती हैं, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, इसको मैं अरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अरे बड़े ये सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स बिल्कुल ईजी है अगर आप शुरू से करके पढ़े तो, ध्यान देना है। इसके बाद मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आता है 3825 यानी कि 3825,
यार इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो वो फिर कट तो ये 3 से भी जाएगा, लेकिन जिस संख्या से हमें इजी बढ़ रहा है उससे काट देंगे हम 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम 5 से काट के दिख रहे हैं इसको, कटता नहीं कटता 5 से। तो 5 7 35 मेरे पास रह गया 3, 5 7 35 3 32 हो गया, 5 6 30 2 5 5 25। ठीक, अभी 5 से कट जाएगा ये, 5 1 5 बचा मेरे पास 2 26 हो गया, 5 5 25 5 3 15। ठीक है, 153 आ गया। हाँ साहब कट जाएगा किससे, 17 से, 17 9 153। ठीक है, 3 से काट लो, 3 1 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो मेरे पास जो 38 225 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 × 5 × 17 × 3 × 3, क्रम वाइज लिख लो इसको, 1 और 1 2, तो 3 की घात 2 हो गई, 1 और 1 2, तो 5 की घात 2 हो गई और मेरे पास आ गया 17। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। चलो साहब यार चौथा सवाल आ गया हमारे पास, चौथा सवाल है हमारा कौन सा, 5005 के फैक्टर। 5005 के फैक्टर कैसे होंगे यार, 5005 के फैक्टर कैसे होंगे, चलो उसके भी करके देखते हैं, 5005 के फैक्टर करके देखते हैं। पहले काट लो उसको 5 से, फिर 3 से भी कट जाएगा ये मेरे ख्याल से, 3 से काट के देखते हैं इसको एक बार, 3 1 3 तो 20 आ गया मेरे पास, तो 3 6 18 2 रह गया, 3 6 18 2 रह गया, नहीं कट रहा, 5 से काटते हैं पहले उसको फिर काट के देखेंगे बाद में, 5 1 5 फिर 0 0 5 1 5। ठीक है, तो ये 300 तो कटेगा नहीं, 300 तो कट रहा, 3 2 6 6 नहीं कटेगा, 3 से 7 से देखते हैं काटे, 7 से कट जाएगा तो ये। ठीक है, 7 1 7 7 3 30 हो गया, 30 7 28 2 7 21, 1 4 3, वाओ 1 4 3। ठीक है, अभी किससे कट रहा है ये, 11 से कट जाएगा साहब, 11 3 11 1 11 और 3 बचा 11 3 33। ठीक है, 13 से कट जाएगा ये, लो साहब एक आ गया इसका। तो 5005 के फैक्टर हमारे पास आते हैं कितने आ गए, 5005 के फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है मेरे पास लास्ट सवाल। तो मेरे पास सवाल रह गया पांचवा, तो पांचवा सवाल मैं यहाँ कर देता हूँ, सवाल है हमारे पास 7429 करके देखते हैं इसके फैक्टर, काट लें इसको 17 से। ठीक है, 17 51 17 4 68 बचा मेरे पास हो गया 6 बचा 62, और 62 तो 17 17 51 बचता मेरे पास 11, 17 17 51 बचा मेरे पास कितना 11, 119 हो जाएगा हमारे पास, तो 17 17 119 437। ठीक है, 19 से काट के देख लो उसको जरा, 19 57 19 का 19 19 दूनी 38, 38 दो बार गया बचा 5 57 19 57। ठीक है भाई, अब मेरे पास 23 से काट लो, 23 ही का ना 23, तो मेरे पास 7 4 2 9 ये जो फैक्टर आए बेटे वो आए हैं 17 × 19 × 23, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो भाई पहले का भी आंसर लिखवा दिया मैंने, सेकंड का लिखवा दिया, ठीक है, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया, यहाँ तक के स्क्रीन शॉट, उसके बाद करते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, कह रहा है कि भैया HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का, ठीक है, HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए, और इनने यही पूछा कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। ठीक है, तो पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो पहला पॉइंट है मेरे पास 26 और 91, पहला नंबर कौन सा है मेरे पास 26 तथा 91। ठीक है, अरे बड़ा इजी है, तुम तो घबरा रहे हो यार। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन्हें पढ़ा करो यार से करके, कितने इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा थोड़ा बहुत हैं, करो उसके फैक्टर करो 26 के और 91 के, तो करके देखते हैं फैक्टर्स के। तो 26 के जब मैंने फैक्टर करे तो भाई 26 के फैक्टर मिलेंगे मुझे 2 × 13। ठीक है, अच्छा 91 के फैक्टर कर लो, 91 के, हाँ 13 7 91 हो गया, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, 91 13 के अलावा किसी पहाड़े में आते ही नहीं है। ठीक है, तो 91 7 × 13, समझ में आया यहाँ तक,
अब क्या होगा, अब मुझे निकालना है एचसीएफ भाई, क्यों निकालना है मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है यार, ये है तेरा, तो एचसीएफ मेरे पास तेरा आ गया, है ना यार, बड़ा ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। तो एचसीएफ कितना गया मेरे पास, तेरा आ गया। और लेकिन एलसीएम कितना है मेरे पास, अब एलसीएम लपेट लेगा, उसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म है इसकी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लपेटेगा से करके तुम्हें। क्या फुल फॉर्म है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन होता है वो तो लिखते हैं, बाकी सब लपेट लो, जो बचा कुछ है ना वो भी लपेट लो। लो लपेट दिया मैंने, तेरा आ गया जो कॉमन है, और बाकी जो बचा कुछ है वो भी मैंने लपेट दिया। ठीक है, लपेटे देखो 13 × 2 × 7, ठीक है, तो कितना गुणा हो गया तुम्हारे पास, लो साहब चलो 13 × 7 = 14, तो मैंने गुणा कर ली 14 की। अब 13 × 52 हासिल लगा, 5 × 13 = 18, 182। अब कह रहा है कि जांच भी करनी है भाई, हमें क्या करनी है, जांच भी करो यार, एससीएफ एलसीएम की जांच तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखना, करते रहना इसको लगातार। ठीक है, तो मैं जांच करवा रहा हूँ, देखो जांच करना कैसे करते हैं इसको, जांच करना, तो जांच करोगे कैसे वो देख लेते हैं। तो जांच करने के लिए भैया मेरे पास आती हैं, देखो दो संख्याएं, कितनी संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ गुणा एल सी एम। ठीक है, यही तो होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है मेरे पास, एक 26 और एक 91 है। चलो साहब मैंने क्या ले लिया, 26 ले लिया, गुणा मैंने ले लिया 91, बराबर है मेरे पास एच सी एफ कितना आया, 13 आया, और बराबर कितना आया तुम्हारे पास, 182 आया है, कितना आया, 182 आया। क्या गुणा कर ले इसकी, हाँ कर लो सर गुणा इसकी, तो 91 गुणा करो 26 से, 6 × 6 = 9, 6 × 54, ठीक है, 2 × 9 = 18 बराबर आ गया 6 × 2 = 8, 8 × 5 = 13, 1 और 1 = 2, 23 = 86, 23 = 86 आ रही है गुणा भाग, नहीं है गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी, 4 × 2 = 6 आगा मेरे पास, तो 66 आगा, तो यहाँ क्या आगा मेरे पास 6, इससे गुणा करोगे तो इसका भी इतनी आगा यार, 2366, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जांच करना, अगर दोनों की गुणनफल बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है, और अगर गुणनफल थोड़ा बहुत भी चूका तो वो हो जाएगा दुर्घटना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, सवाल गलत हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सवाल हमारा कैसे बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो जरा सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 510, 510 तथा 92, 510 तथा 92 कितना है, 510 तथा 92। अब यह 510 तथा 92 कैसे करोगे, इसके ये फैक्टर होंगे भाई, इसमें घबराने वाली क्या बात है यार, 510 के फैक्टर कर लो। लो साहब 510 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 200 काट ले रहा हूँ मैं इसको, 2 × 3 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 255 आ गया, अरे 5 से काट लो, 5 × 5 = 25, 1 आ गया, 17 से काट लो, 17 × 3 = 51, लो साहब 3 से काट लो, 1 आ गया मेरे पास, क्रमबाई लिख लो 510 को, तो 510 बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, ये पहला नंबर ये वाला इसका क्वेश्चन का, और ये सब क्या हमारे पास आंसर है इसके। अब 510 के फैक्टर करो, 2 × 3 × 5 × 17, ऐसे तुम्हारे पास कर लेता हूँ फैक्टर 92 के, यार 92 के फैक्टर तो कई लोग हैं, ये भी ना हो रहे मुझे करवाने पड़ रहे हैं, तो सर काट ले रहा हूँ 2 × 6 = 8, बचा मेरे पास 1 × 12 = 2, 12, 2 से काटो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 23 के फैक्टर करो, 1 आ जाएगा मेरे पास 92 बराबर हो गया 2 × 2 × 23, कितना गया 2 × 2 × 23। अब एस सी एफ और एल सी एफ निकाल लो, एस सी एफ और एल सी एफ का फाइन करो, तो यार एस सी एफ कितना हो जाएगा जरा बताना मुझे, एस सी एफ कितना हो जाएगा, एस सी एफ और योर एस सी एफ कितना होगा, जो कॉमन होता है वो तो होता है एस सी एफ, तो कॉमन क्या है एक, तो यार ये 2 कॉमन मिल गया, वाह और क्या मिल रहा मुझे कॉमन यार, और तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, खाली 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो एस सी एफ मेरे पास कितना आ गया इसका, 2 आ गया, अगर मैं एल सी एम की बात करूँ और तो कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें, तो एस सी एम में से एक लिख लो, कॉमन में से एक लिख लो, बचा क्या 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, फिर 2 बचा, और फिर मेरे पास 23 बच जाता है। ठीक है भाई, तो अब मैं गुणा कर रहा हूँ, 3 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, 17 × 51 = 5, 510 × 23 = 46। ठीक है, इन दोनों गुणा कर लूँगा, देखो 3 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, 17 × 51 = 0 आ जाएगा, 510 हो गया, 23 × 46, और अब मैं इन दोनों गुणा कर देता हूँ, कितनी मेरे पास गुणा आती है इन दोनों की, चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ 510 के गुणा कर रहा हूँ मैं किससे भाई, 46 से, तो 0 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, फिर गुणा 0 × 4 = 4 × 5 = 20, 0 × 6 = 4 = 3 = 2, 23 × 460, 23 × 460। ठीक है भाई, यह क्या मेरे पास, अब पूछ रहा जांच करो, तो जांच करनी है तो खुद करोगे जांच, मैं नहीं कर रहा, सवाल का आंसर वो राइट आया दोनों के दोनों, ये भी एस सी भी मेरे पास सही आया 23 460, एल सी एम में सही आया, तो जांच करना, जांच करो भाई इसको, जांच करना, जांच कैसे करोगे, जांच करना सीख लो, जांच करो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एस सी एफ गुणा एल सी एम, खुद करो अपने आप, दोनों संख्याओं का गुणनफल, जांच करना दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर हो गया HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है मेरे पास, एक तो 510 है, दूसरी मेरे पास कौन सी है 92 है, एक है मेरे पास HCF कितना आया 2 23 460, दोनों गुणा होगा करके मुझे बताओ कि भाई आंसर बिल्कुल सही आया, दोनों की इक्वल, दोनों की गुणनफल, दोनों की गुणा इक्वल आई है नहीं आई है। अगर इक्वल है तो राइट आंसर है हमारे पास, और इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर ठीक नहीं है। अब करवाते हैं इसका थर्ड पॉइंट, यहाँ तक क्लियर स्क्रीन शॉट। क्वेश्चन टू का थर्ड भाग है हमारा 336 और 54 कितना है, थर्ड भाग कौन सा है मेरे पास 336, 336 और 54 यानी कि 54। तो फैक्टर करो, गुणनफल करो, कैसे करोगे भाई, अरे कैसे करोगे इसके फैक्टर, करो 336 के फैक्टर, लो साहब कर रहा हूँ मैं अलग, 336 फैक्टर करो, 2 से काटो, 2 1 2 बचा मेरे पास, 1 2 6 12, 1 2 8 16, 2 से काटो, 2 8 16, 2 6 8, 2 से काटो, 2 2 6 8, 2 2 9 4, फिर 2 से काटो, 2 फिर 1 फिर 7 से काटो, 7 के 21, फिर 3 से काट दो, एक बार गया। तो मेरे पास जो 336 के भाई फैक्टर आ रहे हैं वो मुझे मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, ये मिल रहा मुझे फैक्टर इसके, ठीक है। तो इतने फैक्टर मुझे मिल गए किसके, 336 के, 54 के देख लेते हैं कितने मिलते हैं फैक्टर, तो 54 के देख लो भाई कितने मिलने हैं फैक्टर, 2 से काट लो, 2 2 2 4, 2 बचा मेरे पास 7, 2 7 बार जाएगा ये, फिर 3 से काट लो, 3 9 27, फिर 3 से काट लो, 3 3 9, फिर 3 से काट लो, 3 3 3, तो 54 का जो फैक्टर मिले मुझे मिल गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब भैया इसमें एलसीएम कितना आ रहा है जरा ये बताओ मुझे, एचसीएफ कितने मिल गया मुझे, कितना मिल गया एचसीएफ कॉमन ढूंढो, कितना एचसीएफ है 2, कितना है 2 मेरे पास, 1 कॉमन मिला और यहाँ से मुझे 3 कॉमन मिला, तो 3 2 9 6, क्या मिल गया मुझे एचसीएफ मिल गया, और यार एलसीएम कितना मिल जाएगा मुझे, तो यार जो 2 है कॉमन, जो 3 है कॉमन वो लिख लिया, इनमें से भी एक इसमें से भी एक, बचा क्या मेरे पास 2 2 2 7, यार 2 2 2 और 7, फिर 2 3 ये रह गए, गुणा 3 गुणा 3, दो यार इतना बड़ा 2 लिख लिया मैंने, 3 लिख लिया, 2 2 2 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 2 9 16, ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, 3 आ गया मेरे पास, 3 2 9 6 आ गया, ठीक है। तो 3 3, तो जो बचा बचा मैंने ये लिख लिया 2, फिर 3 लिख लिया, 2 बचा 2 2, फिर 2 और 2 और 2 बचा मेरे पास 7 रह गया, 3 3 आ गया, ठीक है। 3 2 9 6, 6 2 9 12, 12 2 9 24, 24 2 9 48, ये रह गया मेरे पास 48, ठीक है। अब ऐसे तुम्हारे पास 3 2 9 6, 6 2 9 12, 12 2 9 24, 24 2 9 48, अब मेरे पास रह गया 3 3 9, 9 7 63 रह गया। अब इन दोनों की मैं गुणा कर लेता हूँ भाई, मेरे पास एलसीएम निकल के 12 हो जाएगा, 63 गुणा करो, 8 3 24, 8 6 48, 48 और 2 50 हो गया मेरे पास, अब 4 3 12, 6 6 24, 24 और 1 25 हो गया मेरे पास, 4 हो गया, 4 और ये मेरे पास है 0, 6 8 6 8 3 24 और 8 6 8 3 24, 2 8 6 48 और 2 50 सही आ रहा। तो मेरे पास 2 रह गया, 5 5 10 रह गया मेरे पास, 2 और 1 3 रह गया, तो 3024 मेरे पास सवाल का एलसीएम देखने को मिल जाता है। पर मैं एक चीज़ और बोलिए बेचारे ने, वो कह रहा है कि जांच करो भैया, जांच करो, जांच कैसे करोगे, तो जांच हम डर रहे हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लो साहब, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, दोनों संख्याएं कितनी है भाई 336 हैं, कितनी है 336 हैं, और गुणा कितनी है मेरे पास 54 है, बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा मेरे पास 6 गुणा कितना 3024, कितना 3024, तो कितना जाएगा मेरे पास गुणनफल, इसका गुणा कर लो जरा, 336 की गुणा कर लो किससे भाई 54 से, तो 6 6 24 हासिल लगा दो, 6 6 24 हासिल लगा दो, 6 6 24 हासिल लगा दो, 4 3 12 और 2 14 हासिल लगा, 1 4 3 12 और 1 13, फिर 5 6 30, 5 3 15 18, फिर 5 3 15 और 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, और 1 18 1 18 1 44 बराबर हो गया मेरे पास, इसका भी इतनी आएगा 18 1 44, इसका मतलब 6 6 24 हो जाएगा। चलो गुणा कर लो, मैं चेक कर लेना एक बार, 3 24 से गुणा करो 6 से, 6 6 24 हासिल लगा दो, 6 2 9 12, 12 और 2 14 हासिल लगा, 1 1 आ गया तुम्हारे पास, 6 3 18, 18 144, हमारा आंसर वो राइट आया, ठीक है भाई। और ये सवाल भी हमारा क्वेश्चन 2 भी फाइनल हो जाता है, तो उसके लिए स्क्रीन शॉट फिर करते हैं अगला। थर्ड भी हमारा यही है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तो घबराओ मत, डरो मत,
ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है इसमें, तो सिंपल सी बात है वीडियो बहुत लंबी पूछेगी। तो यार SCF और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है जरा मुझे एक बार बताओ। SCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मैं सवाल ले रहा हूँ नया, फिर से वही पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के क्या याद कीजिए, SCF और LCM याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे पास यही है, क्वेश्चन नंबर में थर्ड भी हमारे पास यही है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है भाई मेरे पास लिख दे जाओ मैं, निम्नलिखित संख्याओं के SCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे पास पहला क्वेश्चन है मेरे पास 12 किताब साथ लेके बैठो भाई, तथा 21 किताब तो होगी पास में, NCERT बुक है ये, NCERT बुक खरीद लो आप। ठीक है, NCERT बुक मार्केट में मिल जाएगी आपको मैथमेटिक्स की, वो खरीदो, उसके सवाल हैं ये 12, 15, 21, तो 12 के फैक्टर कर लो, 2 × 2 × 3 15 के फैक्टर कर लो, कितना गया तुम्हारे पास 3 × 5 भाई 21 के फैक्टर कर लो 3 × 7। अब यहाँ पे SCF कितना मिल गया मुझे, जो तीनों में कॉमन है वो SCF होगा। यार तीनों में तो मुझे एक ही चीज़ मिल रही है कॉमन, क्या मिल रही है यार तीनों में मुझे एक चीज़ मिल रही है, तो 3 मिल गया तो 3 ही SCF है सवाल का। ठीक है, और तो कुछ मिल नहीं रहा कॉमन। LCM इसमें जो कॉमन है वो तो है ही लेते हैं एक, बाकी सब लपेट दो, 2 × 2 × 5 × 7 तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 12×5 = 60 और 60×6 = 42 यानी कि 420 420 हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, LCM मेरे पास कितना गया 420। ठीक है, इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं एक बार, क्या सेकंड नंबर होगा इस सवाल का। सेकंड नंबर है मेरे पास 17, 23, 17 और 29। तो मैं 17 के फैक्टर कर रहा हूँ भाई, तो 17 के करो फैक्टर, 1 × 17 होगा ही ना, कितनी भी वो कर लो, तोड़ लो, मलोड़ लो, इससे बिल्कुल सवाल पेचीदा है, फैक्टर होगा ही ना 17 का, 17 केवल 17 से कट सकता है, उसके अलावा नहीं कटेगा किसी से भी। तो 23 फैक्टर करो, 1 × 23 और फिर फैक्टर कर रहा हूँ मैं 29 के, तो 1 × 29 1 × 29। मैं घबराओ मत, साथ हूँ तुम्हारे यार, डर क्यों रहे हो, हर समस्या का समाधान है मेरे पास। ठीक है, हर सवाल का समाधान है, हर सवाल का आंसर मिलेगा तुम्हें। तो SCF कितना गया तुम्हारे पास, बराबर हो गया 1। LCM कितना गया मेरे पास, 1 × 17 × 23 × 29 लो साहब, इसकी गुणा कर लो आप, इसकी गुणा कर लो आप। ठीक है, इसकी गुणा करते इसका आंसर आ जाएगा, चलो मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 17 गुणा करो पहले 23 से, तो 23 × 17 तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ 17 = 51 हासिल लगा 5, 17 × 34 = 5 = 39 और × 29 चलो साहब 29 गुणा कर ले रहे हैं, 391 गुणा करो 29 से, 9 × 9 = 81 हासिल लगा 8, 9 = 27 और 8 हमारे पास हो गए 35, फिर 2 × 2 = 9, 9 × 2 = 18 हासिल लगा 1, 3 × 2 = 6 और 1 = 7। ठीक है, तो 9 आ गया, 2 × 1 = 3 आ गया, 8×5 = 13 आ गया, 8×5 = 13 3 × 1 = 4, 7×4 = 11 तो भाई मेरे पास आ गया 11,339। ठीक है, ये क्या है इसका 11,339, ये क्या है सवाल का, LCM आ गया, SCM मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, 17 = 51 हासिल लगा 5, 17 × 34 = 5 = 39 जो मैंने फैक्टर करे गुणनफल करिए 3 × 9 = 9, 9 × 81 9 × 27 = 35 हो गया तुम्हारे पास, 2 × 2 = 9, 9 × 2 = 18 3 × 2 = 6 और 1 = 7 9, 2 × 1 = 8×5 = 13 7×3 = 10 और 1 = 11 सही आ गया। ठीक है, 11,339 इसका क्या मिल गया मुझे, LCM मिल गया भाई। नया सवाल एक और है, एक सवाल और है तुम्हारे पास, सवाल नंबर कौन सा था, सेकंड थर्ड सवाल और रह गया मेरे पास, और थर्ड सवाल आपसे कह रहा है कितना मेरे पास 8, 9 और 25 8, 9 और 25। ठीक है, चलो भाई 8 के फैक्टर भी हो जाएंगे लेकिन हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो मैं 1 × 8 कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, फिर 9 के फैक्टर करो तो 1 × ये भी 9 कर दे रहा हूँ, फिर मेरे पास 25 के फैक्टर आ जाएंगे तो ये मैं 1 × 25 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास SCF कितना मिल जाएगा, मुझे SCF मिलेगा कितना 1 मिल जाएगा, और LCM मुझे कितना मिलेगा भाई, LCM मिलेगा मुझे 8 × 9 × 25 यानी कि ये मिलेगा मुझे, गुणा कर ले रहा हूँ मैं, देखो 8 × 9 = 72 8 × 9 = 72 × 25 आ गया मेरे पास, या 25 × 9 225 चलो 8 × 9 = 72 कर दे रहा हूँ यार मैं, 8 × 9 = 72 ये ऐसा कर दे रहा हूँ, देखो 25 × 8 = 200 और 9 × 2 = 18 तो ये आ गया मेरे पास कितना 1800। ठीक है, 25 × 8 = 200 25 × 8 कितना था तुम्हारे पास 200 हो गए और 9 × 2 = 18 यानी कि ये आ गया हमारे पास 1800। तो LCM मेरे पास फाइनल हो गया और क्वेश्चन 3 भी यहीं पर फिनिश हो जाता है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक कल स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं।
तो क्वेश्चन हमारे पास चार है, तो क्वेश्चन हमारे पास चार है। देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन चार जो है वो ये कह रहा है आपसे कि हमें दे रखा है एससीएफ बराबर दे रखा है मुझे 306 और 657 बराबर दे रखा 9, ये आपको दिया है, ये क्या आपको दिया है, और निकालना है हमें एलसीएम 306 657 का हमें निकालना है एलसीएम, ज्ञात कीजिए। अरे भाई सवाल बड़ा पेचीदा तो हो जाएगा सवाल। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ आपके अकॉर्डिंग, ये लगा दूँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एससीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है मेरे पास 306 है, दूसरी संख्या कितनी है मेरे पास 657 है, 657 है। एससीएफ कितना है मेरे पास 9 दे रखा है, ठीक है, और एलसीएम मुझे निकालना है ना, तो ये गुणा वाला कायम आ जाएगा तेरे को भाग में, तो गुणा वाला कायम आता है भाग में, तो एलसीएम बराबर कितना गया मेरे पास 306 गुणा 657 बटे में कितना जाएगा मेरे पास आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा मेरे पास बटे में 9 आ जाएगा, भाग कर लो 9 से, 9 3 27 और 9 6 36, तो साहब ये 34 गुणा 657 आ गया, गुणा करके इसका आंसर बताओ कितना आएगा। अबे गुणा भी ना हो रही, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, गुणा भाग 657 गुणा कर 34 से, तो कितना आगा मेरे पास डेटा 728, 728 हासिल लगा, 2 हमारे पास, 5 6 20 2 22, 6 6 24, 24 और 2 26, फिर 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, और 6 3 18 और 1 19, ठीक है, फिर 8 2 और 1 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, ठीक है, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2 22, 3 3 8, इतना लंबा हमारा ये एलसीएम फाइंड हो जाता है दोनों संख्याओं का, ठीक है। 34 बार गई, 34 मैंने फैक्टर करे, 7 7 6 28 असल लगा हमारे पास, 2 5 6 20 2 22, 6 6 24 2 26, ठीक है, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 6 3 18 और 1 19, 8 3 2 13, फिर 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये सवाल हमारे पास पूरा फाइनल हो गया। अब पढ़ते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस टाइप का, क्वेश्चन हमारे पास 5 है, क्वेश्चन 5 कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन 5 है कि भाई जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए, किसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए कि किसी, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या संख्या 6n अंक अंक जो है भाई वो 0 पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, क्या यह बात सत्य है। ये चेक करना कि क्या, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है, नहीं तो होती नहीं है, हो सकती है, हो सकती है या नहीं, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में कितना आया हो, 5 आया हो, ठीक है, ध्यान देना हो क्या आया हो, 5 आया हो, संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी भाई, संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी, संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, पर कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कितना आया हो, अभाज्य गुणनखंड में 5 आया हो, कितना आया हो, 5 आया हो भाई, 5 आया हो, अगर 5 आ गया गुणनखंड में तो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, और अगर 5 नहीं आया तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो पहले मैं कर रहा हूँ 6n के फैक्टर, ठीक है, तो संख्या इसका आंसर है संख्या शून्य पर समाप्त होगी, संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, पर कब होगी, हो सकती है जब उसके गुणनखंड में, जब उसके गुणनखंड में कितना हो, 5 आया हो, 5 आया हो, तो 6n है, फैक्टर करूंगा 2 गुणा 3, ठीक है, कितना गया मेरे पास है 3 2 6, क्या 5 आया, नहीं आया ना, तो भैया अंकगणित की आधारभूत प्रेम जो प्रेमिका होती है वो ये कहती है कि 6n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यानी कि मैं दे रहा हूँ 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः क्या नहीं है, नहीं है, अतः यह संख्या
शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नया क्वेश्चन करते हैं, यहां तक कल स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन छह आता है हमारा, और क्वेश्चन छह आता है मैथमेटिक्स का, वो क्वेश्चन ये होता है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन सिक्स है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 तथा, ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है और सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, पहले संख्या, मैं ये वाली संख्या लेते हैं पहले, तो 7 × 11 × 13 + 13, तो मैं यहाँ से लेता हूँ 13 कॉमन, कितना कॉमन लिया मैंने यहाँ से, 13 कॉमन लिया, तो 7 × 11 × 1 + 1, ठीक है, तो इस संख्या का एक गुणनखंड, मैंने 7 13 कॉमन ले लिया ना यहाँ से, अबे कॉमन का मतलब ये होता है ये वाला भी बाहर और ये वाला भी बाहर, ठीक है, तो यहाँ एक रह गया, तो इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है मेरे पास, इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है मेरे पास, 13 है, कितना है भाई, इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है, 13 है, कितना है, 13 है, अतः यह संख्या क्या है, अतः यह संख्या भाज्य है, क्या है ये, भाज्य है। ऐसी सेम कहानी इसकी ही पकड़ लो भाई, तो 7 × 6 × 5, सवाल का आंसर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो क्या मिल रहा है आपको कॉमन यहाँ से, क्या चीज़ आपको यहाँ से कॉमन मिल रही है, यहाँ से मिल रहा है हमें 5 कॉमन, क्या मिल रहा है कॉमन, 5, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, ठीक है, तो इस संख्या का किसका, इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है मेरे पास, 5 है, अतः यह भी संख्या क्या है, एक गुणनखंड 5 है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, इस संख्या का एक गुणनखंड कितना है मेरे पास, 5 है, अतः यह संख्या क्या आपके पास, भाज्य है, ध्यान देना सवाल पे। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया, हो जाएगा इतना ही वाला, इसके बाद देखो। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हो, तो दोनों संख्याएं भाज्य हैं, क्यों है, क्योंकि दोनों में, इसमें भी हमें एक गुणनखंड 13 मिला और उसमें भी हमें एक गुणनखंड 5 मिला। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 7 का मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह एक ही समय चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि सोनिया चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट में, ठीक है, तो इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, वही सवाल का आंसर होगा, 18 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 3 × इसके फैक्टर कर लेते हैं 18 के, 2 × 18, 3 फिर 3 और फिर 3, तो यह आया मेरे पास फैक्टर 2 × 3 × 3, 12 के करो तो 2 × 2 × 3, तो भाई मेरे पास इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, और जो बचा बचा वो भी लिख लो, तो ये मेरे पास आया, क्या बचा मेरे पास, फिर 2 बचा और मेरे पास बचा 3, ठीक है, तो मेरे पास आ गया आप नया क्वेश्चन, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्वेश्चन 7 बहुत बड़ा है, तो आई होप कि भाई आप उस क्वेश्चन को अपनी किताब से पढ़ के देखो, और मैं सिर्फ उसका आंसर दिखा रहा हूँ, क्योंकि उतारने में बहुत समय लगेगा उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मेरे पास 7 ये है, इसका आंसर ये है कि भाई किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो जब वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं
तो कितने समय बाद वे मिल जाएंगे, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे, यानी कि आपको एलसीएम फाइन कर लेना है इसका 18 और 12 का। तो जब मैं 18 के फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेंगे 2 × 3 × 3, और जब मैं 12 के फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेंगे 2 × 2 × 3। तो भाई इसका एलसीएम कितना हो गया, जो कॉमन है वो लिखो 2, जो कॉमन है वो लिखो 3, बचा मेरे पास 3, फिर बचा मेरे पास 2, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 6, 18 × 18 = 36, यानी कि पुनः जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये मेरे पास सवाल का आंसर हो गया और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद करवाते हैं एक्सरसाइज 1.3 और यहाँ तक क्लाइंट स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट। तो देखो जरा फिर तो एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 करवाता हूं मैं आपको। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है या फिर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि भाई √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो उल्टा मान के हल करते हैं, आप डायरेक्टली इसको परिमेय प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। पहले इसको आप डायरेक्टली इसको तो अब शुरू करते हैं 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 करते हैं स्टार्ट। और 1.3 का पहला क्वेश्चन कौन सा है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम उल्टा मान के प्रूफ करते हैं। अगर जाना होता आपको पूरब की ओर तो आपको चलना पड़ेगा पश्चिम की ओर, बाद में आप मान लोगे कि अरे यार मुझसे गलती हो गई, मैं उल्टा चल पड़ा, ठीक है, वही कहानी होती है सेम टू सेम। इसमें मानते हैं उल्टा, किसको मानते हैं उल्टा, ठीक है, इसे √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको उल्टा मान लो, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मानूंगा मैं इसको उल्टा। तो देखो इसका आंसर, देखो एक सवाल कर लिया आपने तो एक सवाल से कई सवाल हल हो जाते हैं, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, कोई ना कोई सवाल हर साल पेपर में फंसता जरूर है, ठीक है, चाहे ये √5 का फंसे, √2 का फंसे या √3 का फंसे, ठीक है। तो मैं लिखवाता हूँ, देखो मैंने मान लिया उल्टा, माना इसका आंसर मानता हूँ मैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या, लो साहब मैंने उल्टा मान लिया है ना। अब जब उल्टा मान लिया है तो √5 को मान लूंगा मैं, √5 आर इक्वल टू ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू मान सकते हो भाई, जहां ए तथा बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, वो जो b है वो भैया 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, b जो है जो 0 के बराबर नहीं हो सकता। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो यार, दोनों पक्षों का वर्ग करो, लो साहब दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर रहा हूं, √5 का वर्ग a का वर्ग अपॉन b का वर्ग, ठीक है, कर दिया मैंने स्क्वायर। अब देखो वर्ग से रूट क्या होगा, फिनिश, खाली बचेगा मेरे पास 5, बराबर आ गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब भाग वाला काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 5b² बराबर आ गया मेरे पास a स्क्वायर। इसको बदल लूंगा मैं समीकरण नंबर 1, यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से प्रूफ हुआ a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा,
विभाज्य होगा भाई, पक्का 100%। ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और ए बराबर रख दूंगा मैं 2c, ए बराबर 2c समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, ए बराबर 2c समीकरण एक में रखने पर। अरे साफ रख दो यार, चलो लो 5b² बराबर, जहाँ ए है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, 2c रख दूंगा। तो मैंने 2c का वर्क कर दिया, गलत हो गया थोड़ा सा, 2 की जगह ना 5 आ गया यहाँ, ए बराबर 5। तो मेरा भी यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। तो 5b² बराबर होगा 5 का वर्ग 25, c² 5 बन जाए 25, तो b² बराबर आ गया मेरे पास कितना, 5c². इसका मतलब ये हुआ कि जो b² है वो क्या है, b² 5 से विभाज्य है, 5 से क्या बेटे, विभाज्य है, ध्यान देना, b² 5 से विभाज्य है। इसीलिए b भी क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, घबराया नहीं है सवाल को देख के, ठीक है। तो अब a और b का देखो, यहाँ क्या मिला मुझे, a का गुणनखंड भी 5 मिल गया, और यहाँ भी क्या मिला मुझे, b का गुणनखंड भी कितना मिल गया मुझे, 5 मिल गया, ठीक है। तो a और b का, a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनफल, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है मेरे पास, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला मुझे भाई, कितना मिला, 5 है, कितना मिला मुझे, 5 मिल गया, ठीक है। जो हमारी धारणा का विरोध करता, जो हमारी धारणा क्या करता है भाई, जो हमारी धारणा का विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। अतः हमारी धारणा कैसी है, हमारी, अतः हमारी धारणा बिल्कुल गलत है, हमारी धारणा गलत है, इसीलिए ठीक है। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई। ये सवाल हो गया हमारे पास। तो भैया प्रश्नावली सिद्ध कीजिएगी, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पूरे का पूरा प्रूफ हो चुका। चाहे पेपर में रूट 2 पूछे या रूट 3 पूछे, सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लो। अगर अब देखो पेपर में क्या आ गया, पेपर में आ गया सिद्ध कीजिए कि भाई रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे हल करोगे चीज को, तो इसको हल करने के लिए बस 5 की जगह क्या जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 5 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ भी 5 की जगह 2 आ जाएगा। जहाँ 5 है वहाँ समय मैं क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, ये इस टाइप से, ठीक है। समय मैंने 2 डाल दिया यहाँ पर, यहाँ देखो बिल्कुल सेम टू सेम, समय मैं 2 डाल दूंगा, यहाँ 2 आ गया मेरे पास, 2 का वर्ग कितना गया मेरे पास, 4 हो जाएगा, फिर ये 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 2 धोनी 4, 2 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ भी 5 की जगह 2, और यहाँ भी 5 की जगह 2, फिर एक गुणनखंड कितना मेरे पास, 2 मिल जाएगा। और विरोध करता था, हमारी धारणा कैसी है, गलत है, तो 2, ठीक है। ऐसे सवाल का रूट 3 का कर ले आप, तो रूट 2 का भी हो गया और रूट 3 का भी हो गया, 3 का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होगा। जहाँ पर 2 है वहाँ 3-3 लगाते रहो, जहाँ पर 2 है वहाँ क्या लगा दोगे आप, 3-3 लगाते रहो, सवाल हो गया आपका, हल हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 2 आए पेपर में, रूट 3 आए, रूट 5 आए, सबके आंसर कैसे होते हैं, एक ही होते हैं। इसका भी स्क्रीन शॉट लो। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है एक्सरसाइज 1.3 का, वो आता है। देखो पहले मैं शो कर देता हूँ इरेज, फिर देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन सेकंड है मेरे पास, सिद्ध कीजिए कि रोड 3 ओ सिद्ध कीजिए कि 2+3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। सवाल गड़ हो गया, सवाल है हमारे पास 2 यहाँ आएगा और 3 हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 3+2 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये है हमारा सवाल, ठीक है भाई। तो ये सवाल है हमारा, 3+2 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करें प्रूफ इसको, ठीक है, तो कर लिख के देखते हैं भाई। वही मानो उल्टा इसके आंसर में, अबे घबरा रहे हो यार तुम तो। माना 3+2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया मैंने उल्टा, देखो परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको मान लो 3+2 रूट 5 ए अपॉन बी कितना गया मेरे पास, ए अपॉन बी, जहां ए तथा बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य, ठीक है, क्या है ये, संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब इस प्लस 3 को भाई बराबर के धर ले जाओ, इसको करो सिंगल,
इसको बनाना मुझे सिंगल बिल्कुल। तो 2√5 बराबर ए अपॉन बी माइनस के 3 पहुंच गया मेरे पास, ठीक है। भिन्न कर लो हल, गुणा करके 2√5 बराबर जगह एक ही करना एक, डी गुणा करो 3 से, 3 बी और बी का ना बी, ठीक है। अब ये भाग वाला कायम आ जाएगा, ये गुणा वाला कायम आ जाएगा, सबको भाग में आ जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, रूट फाइव आर इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन बचा मेरे पास 2b, ठीक है। यहाँ से क्या प्रूफ होता है, यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट पाँच भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, रूट पाँच भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है ना। परंतु हम जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि रूट फाइव कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारी धारणा कैसी है भाई, हमारी धारणा बिल्कुल गलत है, हमारी धारणा गलत है, इसीलिए, ठीक है, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर मैं इसको मानता हूँ परिमेय, ठीक है, तो रूट फाइव क्योंकि इसका इक्वल है, ये दोनों कैसे आपस में बराबर है, तो रूट पाँच भी तो एक परिमेय होगी। लेकिन हम ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि रूट फाइव क्या है, हम जानते हैं कि रूट फाइव का एक अपरिमेय संख्या, हमारी धारणा कैसे हुई, गलत होगा, इसीलिए क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है मेरे पास, और क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझसे ये कहता है कि भाई कि निम्नलिखित संख्याएं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला नंबर है 1/√2, और सेकंड नंबर है इसका 7√5, और थर्ड नंबर है इसका 6 + √2, ठीक है। तो पहला सवाल मैं करने वाला हूँ, यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं फिर। देखो फिर पहला नंबर है मेरे पास 1/√2, पहला मान लो क्या माने वही कि माना भाई 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लो इसको कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लेता हूँ, माना 1/√2 क्या मान लिया मैंने, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 को मैं ले सकता हूँ a अपॉन b, ठीक है। मैंने उल्टा कर दो, पकड़ के इसको उल्टा कर दो, तो रूट टू ऊपर आ जाएगा और b ऊपर हो जाएगा, और a मेरे पास कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब अगर देखो इसको इमेज कर रहा हूँ, अब अगर देखो b अपॉन a एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट टू भी क्या होगी, रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी धारणा कैसी है भाई, हमारी धारणा गलत है, जो हमने मानी है वो हमारी धारणा कैसी है, ये वाली हमारी धारणा कैसी है, गलत है, संख्या है, हमारी धारणा कैसी है भाई, गलत है, हमारी धारणा गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं। देखो इसके बाद जो मेरे पास सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 7/√5 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना, तो उल्टा मान लो, माना 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको भी सेम मानो, बराबर ए अपॉन बी, जहां ए तथा बी क्या है, जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये गुणा वाला काम आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो रूट 5 बराबर ए अपॉन 7 बी, ठीक है। फिर वही कथा लिख दो इसकी कि यार ए अपॉन 7 बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमारी धारणा गलत है, इसीलिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, कौन सी, 7 रूट 5, 7 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक। इसका भी लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 6 प्लस रूट 2, देखो सेम कहानी, यहाँ भी क्या मान लूँ हमें 6 प्लस रूट 2, ठीक है, इसको लिख लो 6 प्लस रूट 2 बराबर ए अपॉन बी। अब ये प्लस का 6 है, बराबर के इधर लेके जाओ, कहाँ पहुँचेगा, माइनस में पहुँचेगा, तो यह जाएगा ए अपॉन बी माइनस के 6, एक गुणा करो ए का ना एक, 6 का ना 6 भी, और फिर बी रूट 2, सेम कहानी वही वाली, मान लेता हूँ मैं ए माइनस 6 बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमारी धारणा गलत है, और ये कहानी आ गई हमारे पास कितनी कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये तीनों के तीनों मैंने पार्ट्स कर दिए, बिल्कुल सेम टू सेम है, एक सवाल कर लिया आपने तो बाकी सवाल अपने आप पढ़ लोगे। प्रैक्टिस मेक्स से मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस होनी बड़ी ज़रूरी है, ध्यान देना, प्रैक्टिस होनी बड़ी ज़रूरी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतने अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। मेरा काम गाइड देना आपको, गाइडेंस देना है आपको, कहाँ कब क्या चलना है आपको, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ, ठीक है। तो ये 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, अब पढ़ते हैं 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है, और देखते हैं फिर उसको सवाल कैसे कैसे होते हैं। तो देखो फिर आती है एक्सरसाइज 1.4, और भाई प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4, तो प्रश्नावली 1.4 करवाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, तैयार हो जाओ करने के लिए, बड़ी इजी है, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा, ठीक है। एक तो आता है कि आप दशमलव प्रसार करें, जैसे कि मैंने मान लिया भाई, मैंने दिया आपको डेटा, मैंने बोल दिया आपको कि 7 का दशमलव प्रसार करो, तो आप 7 को लेके 22 में लगातार भाग करते हो, ठीक है। तो 7 जब भाग करोगे तो 7 किया 21, मेरे पास कितना बचा, 2 में से घटाया 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, फिर 7 ही करना 7, 3 रह गया 0 आ गया, फिर 7 चौक 28, 2 रह गया 0, 7 दूनी 14, ये संख्या लगातार चलती रहती है, तो ये एक अशांत आवर्ती का होता है। अगर 0 मिल गया आपको तो शांत होता है, लेकिन हमें भाग विधि से नहीं करना भाई। एक तो विधि आती है, इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। एक तो मेथड आता है, इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया, पर आपको इसका यूज नहीं करना, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो उसके लिए मैं दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, और दोनों के दोनों फॉर्मूले ठीक से याद कर लो, क्या है वो देख लो जरा। देखो यदि हर 2n 5m के रूप का है तो भैया दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसा होगा, शांत होगा। और यदि हर जो है 2n 5m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई अशांत आवर्ती का होगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो मैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन लेने वाला हूं, और वो क्वेश्चन है आपका देखो 13/3125 13/3125, चेक करके देखें एक बार क्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है इसका। तो चेक करने के लिए भाई आपको चाहिए 31/25 के फैक्टर करने होंगे, ठीक है। 200 काट के देखता हूँ, 200 नहीं 500 काट रहे हैं, 5 6 23, 5 2 9 10 और 5 5 25,
पाँच से काट लो, पाँच एकाना पाँच, पाँच दूनी दस, और पाँच पंजे पच्चीस, पाँच से काट लो, पच्चीस बढ़ जाएगा, फिर पाँच से काटो, पाँच बढ़ जाएगा, फिर पाँच से काटो, एक बढ़ जाएगा, तो पाँच की घात कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच, तो ये आ गया मेरे पास तेरह बटा पाँच की घात पाँच, पाँच की घात पाँच। लेकिन यार इसमें दो तो है ही ना, चलो पाँच तो मिल गया मुझे, घात भी आ गई है, दो है नहीं है ना, तो हर किसी संख्या के गुणा में एक होता है ना, तो जब एक होता है तो मैं इस एक को लिख लूँगा तेरह बटा दो की घात जीरो और पाँच की घात पाँच, क्योंकि जिसका मान जीरो होता है, जिसकी घात जीरो होती है उसका मान कितना होता है, एक होता है। अगर मैंने दो की घात जीरो कर दिया उसका मान कितना, कि तुम्हारे पास एक हो गया, अगर मैंने पाँच की घात जीरो कर दिया उसका मान कितना होगा, तुम्हारे पास वन हो गया। तो अगर किसी संख्या की घात कितनी है, जीरो है, तो उसका मान कितना होता है, वन होता है। अगर किसी संख्या की घात कितनी है मेरे पास, जीरो है, तो उसका मान कितना होता है, बेटे वन होता है, ध्यान देना इस पर। तो क्या है, हर किस फॉर्म का है, हर जो है वो टू एन फाइव एम के रूप का है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, बेटे शांत होगा। नया क्वेश्चन है मेरे पास, उसका सेकंड नंबर करवा रहा हूँ मैं, चलो मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सत्रह बटा आठ, सत्रह बटा आठ, आठ के फैक्टर कर दो। अरे तो बड़ा इजी है यार, खुद भी कर लोगे, दो की घात तीन, दो की घात तीन, इसको मैं लिख लूँगा दो की घात तीन, इसमें पाँच नहीं है, पाँच की घात जीरो, तो कैसा है, शांत है, शांत है, शांत होगा, क्योंकि हर जो है टू एन और फाइव एम के रूप का हमें मिल गया, तो दशमलव प्रसार कैसा, कैसा शांत हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारे पास थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड आता है मेरे पास चौंसठ अपॉन चार सौ पचपन, चौंसठ बाई चौंसठ अपॉन चार सौ पचपन मिलता है, करो भाई हर का परिमेय कर, वो करो हर के फैक्टर, तो मैं हर के फैक्टर कर रहा हूँ, चार सौ पचपन करो फैक्टर, पाँच सौ काट दो, पाँच नाम पैंतालीस, पाँच एक आना पाँच, तेरह सत्ते इक्यानवे, सात एक आना सात, तो मेरे पास आ गए चौंसठ के फैक्टर, यानी कि चार सौ पचपन के फैक्टर आ गए हैं, कितना है, पाँच गुणा तेरह गुणा सात, तो हर किस फॉर्म का नहीं है, हर जो है भैया वो टू एन फाइव एम के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती का होगा। चलो साहब मैं फोर्थ नंबर ले रहा हूँ, फोर्थ नंबर है पंद्रह बटा सोलह सौ, पंद्रह पौन सोलह सौ, इसके फैक्टर करो सोलह सौ के, जल्दी फास्ट करके दिखाओ मुझे कितना फैक्टर है बैठ रहे हैं इसके, करो सोलह सौ के फैक्टर करो, चलो मैं करवा रहा हूँ, देखो सोलह सौ के फैक्टर कर रहा हूँ मैं, दो अट्ठे सोलह जीरो जीरो चार, चार सौ हो जाएगा मेरे पास, फिर दो सौ काटो दो सौ हो जाएगा, फिर दो सौ काट दो सौ हो जाएगा, फिर दो सौ काट दो पचास हो जाएगा, फिर दो सौ काटो पच्चीस, फिर पाँच सौ काटो पाँच, पाँच सौ काटो पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो दो की घात छः आ रहा, पंद्रह गुणा दो की घात छः और पाँच की घात दो, तो कैसा होगा, शांत शांत, तो ये होगा शांत, ठीक है भाई। क्वेश्चन चार हो गए, यहाँ तक का स्क्रीन सोड़ लो, उसके बाद देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर पाँच आ गया मेरे पास, देखो फिफ्थ का हमारे पास आंसर है इसका, और फिफ्थ हमें दे रखा है उनतीस बटा तीन सौ तैंतालीस, तीन सौ तैंतालीस, चलो मैं फैक्टर कर रहा हूँ तीन सौ तैंतालीस के, ग्यारह से काटो, ग्यारह तिया तैंतीस नहीं कटेगा, सात से काटो, सात से कट जाएगा ये, सात चौक अट्ठाईस और सात नम तड़ेसठ, फिर सात सौ कट जाएगा ये, सात सत्तर उनचास, सात सौ कट जाएगा शादी का ना सात, तो जाएगा सात की घात तीन, इसका मतलब है ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा, कैसा होगा, अशांत आवर्ति का होगा। छठा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसका, छठा क्वेश्चन आपके पास तेईस अपोन दो की घात तीन है और पाँच, दो की घात तीन और पाँच की घात है मेरे पास दो, तो ऑलरेडी इसमें तो हर हमें टू एन और फाइव एम के रूप का दे रखा, जब हर हमें टू एन और फाइव एम के रूप का दे रखा तो कैसा होगा, ये दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, तो मैं दे रहा हूँ डायरेक्टली कैसा है, यानी कि हर जो है वो टू एन फाइव एम के रूप का है, के रूप का है,
अतः दशमलव प्रसार कैसे होगा इसका? बिल्कुल शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके बाद सातवां क्वेश्चन मेरे पास आता है, और वो सातवां क्वेश्चन है आपका 129, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 5, और 7 की पावर 7, और 7 की पावर 5। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसे होगा इसका? देखो, इसमें जो है 2n और 5n के अलावा भी, 2n और 5n के अलावा भी क्या आया? 7 आया। तो ये कैसा होगा? अशांत आवर्ती का होगा, क्योंकि इसमें हर जो है वो 2n और 5n के रूप का नहीं है। तो कैसा होगा ये? अशांत आवर्ती। ठीक है भाई, कैसा होगा ये? अशांत आवर्ती का होगा ये। इसके बाद आठवां नंबर में चेक कर लेता हूँ इसका, और आठवां नंबर है आपका 6/15। पहले काट लो इसको, 3 से 3 दूनी 6, और 3 5 15, 2/5, 2/5 लिख लो इसको। 5 की घात मेरे पास 1 हो गई, और 2 की घात हो जाएगी मेरे पास 0। ठीक है, तो ये कैसे हो गया मेरे पास? शांत हो गया। इसके बाद में आठवां, इसके बाद देखते हैं नवा क्वेश्चन, और नवा क्वेश्चन है हमारा 35/50, 35/50 काट लो पहले 5 से इसको। तो ये है मेरे पास 35/50, बराबर काटो उसको, 5 7 35, और 5 2 50, तो 7/10 हो गया। 10 को तोड़ लो फैक्टर में, 2 गुणा 5 में, तो ये भी कैसा हो गया मेरे पास? शांत हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचता है 10, और लास्ट में क्वेश्चन है मेरे पास 70/210, 70/210। ठीक है, तो उसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ, देखो काट लेते हैं पहले 7 से इसको, 7 दिगाना 7, 7 दिगाना 7, और 7 3 21, तो ये मिल गया मुझे 11/30, यानी कि 11/30 मुझे मिल गया। 30 के फैक्टर करो, जब मैं 30 के फैक्टर करे तो 2 से काटो 15 बार, 3 से काटो 5 बार, 5 से काटो भाई 1 बार, तो मेरे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि ये कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ हर है वो 2n और 5m के रूप का नहीं है, तो ये कैसा हो गया हमारा? अशांत आवर्ती का, अशांत आवर्ती का। ठीक है, तो पूरा चैप्टर यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर है आपका पहला, ठीक है, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास मैथ का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वो पूरा कर हो चुका है। ठीक है, कोई भी इसका क्वेश्चन बचा नहीं है, ना तो एग्जाम्पल का, और ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो छोड़ दिया हो। ठीक है, तो पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।